A very good morning. So we are covering paper 1, section B. Paper 1, section B. We'll continue with paper number 1, section B. Aaj ka hamara topic hai sabse pehle planning and इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में. ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर टुडे. अच्छा, वन थिंग दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्योंकि हम नया कोर्स लेकर के आ ही रहे हैं जनवरी में, जिसमें हम एकदम डिटेल में कवर करेंगे. सो व्हाट वी विल डू टुडे इज हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जो हमारे एक्सपर्ट के ओपिनियंस हैं वो ओपिनियन यहाँ पर कवर कर लेंगे, ताकि आगे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इन फ्यूचर, ताकि ओपिनियंस हमको बाद में ना लिखने पड़े. तो आज की क्लास में, आज के सेशन में हम यही करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले तो प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म में देखिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं. इसमें पहला आता है क्वेश्चन, ऐसे पूछा जा सकता है कि गांधी की क्या अप्रोच थी डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है. व्हाट विल बी द अप्रोच ऑफ गांधी एट दैट टाइम, व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ गांधी टू डेवलपमेंट. तो सबसे पहला टॉपिक आता है गांधीयन अप्रोच, गांधीयन अप्रोच टू डेवलपमेंट. गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग अब्बास. गांधीयन अप्रोच टू डेवलपमेंट. अब देखिए, गांधी कन्वेंशनल सेंस में तो इकोनॉमिस्ट नहीं थे, ना ही उन्होंने कोई सिस्टमैटिक व्यू दिया था, कोई सिस्टमैटिक डेवलपमेंट का मॉडल दिया था जो कि इंडिया अडॉप्ट करता. लेकिन हमें गांधी का जो आइडिया है डेवलपमेंट का, उनकी बुक में पता चलता है. गांधी ने बुक कौन सी लिखी थी? हिंद स्वराज. अपनी इस बुक में हमें पता चलता है इनका आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, इनका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, कि इनका लाइन ऑफ थॉट क्या रहेगा डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है. तो ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. सभी जानते हैं कि जो गांधी है मॉडर्निटी को सपोर्ट नहीं करते थे, मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट में थे. तो इनका मानना था कि अगर दूसरे भी सेम मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू नो बाकी सब कंट्रीज भी अगर ऐसा ही करेंगी जैसे वेस्ट ने अपनी डेवलपमेंट की है. तो गांधी का मानना था कि कम से कम भी इट विल रिक्वायर 9 मोर अर्थ यू नो ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि रिसोर्सेज के लिए यू नो अगर खुद को डेवलप करना है तो फंडामेंटल आइडिया गांधी के अप्रोच में ये रहेगा कि हमें दो चीज़ें फॉलो करनी है. पहला है स्वराज और डेवलपमेंट के लिए नॉन वायलेंस. इन दोनों चीजों पे स्ट्रेस करेंगे गांधी अपनी अप्रोच में. तो नॉन वायलेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस के उसमें बोला था इन्होंने. नॉन वायलेंस बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू गांधी. ये सिर्फ ह्यूमंस के अगेंस्ट, ह्यूमंस के लिए नहीं है, एनिमल्स के अगेंस्ट में भी. एनिमल्स, नेचर, यू नो प्लांट्स, इनके अगेंस्ट भी है. तो हम देखते हैं कि ये बोलते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ में भी यू नो आप उसको नुकसान मत पहुंचाओ, वायलेंस नहीं करना चाहिए. एंड साथ ही साथ गांधी इस चीज़ पे बात करते हैं कि हमें नीड्स के अकॉर्डिंग बनाना है, ग्रीड के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है. जब हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ा था तो मैंने आपको गांधी का एक बहुत अच्छा यू नो व्यू दिया था, गांधी का एनालिसिस दिया था गांधीजी का, कि गांधी का कहना था कि जब उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को बेसिकली यू नो क्रिटिसाइज किया तो एट दैट टाइम गांधी वाज ऑफ दिस बिलीफ कि हमको यू नो नहीं फॉलो करना है वेस्टर्न वे ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज वेस्टर्न जो डेवलपमेंट है वो ग्रीड पर बेस्ड है. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं वो सरप्लस में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि दे वांट टू गो फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपना ज़्यादा से ज़्यादा
प्रॉफिट क्योंकि ये पाना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है वो नीड के हिसाब से नहीं की जाती, ग्रीड के हिसाब से की जाती है। उस नीड की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर की जाएगी मैन्युफैक्चरिंग। इसीलिए गांधियन अप्रोच के तीन पिलर्स हैं मेन, देर आर थ्री पिलर्स ऑफ गांधियन अप्रोच। तीन पिलर्स कौन कौन से हैं गांधी के अप्रोच के? सबसे पहला पिलर रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड पिलर इज रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड मोरल रीजनरेशन। गांधी इन तीन चीजों पे ध्यान देंगे। गांधीयन अप्रोच का ये था कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, लाइफ को अगर आपको समझना है तो गांधी हैज गिवन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन सिंस। अच्छा, ये जो सेवन सिंस हैं गांधी के, ये एथिक्स के पेपर में पूछे गए थे 2000 आई थिंक 16 में, 2016 में देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें सेवन सिंस पूछे गए थे, राइट? तो उन सेवन सिंस में से ये सिंस आपको पता होने चाहिए अकॉर्डिंग टू गांधी। सबसे पहला सिंह गांधी बोलते हैं कि अगर आपके पास में वेल्थ है विदाउट वर्क, आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपके पास में बहुत वेल्थ है, तो ये भी एक सिन है। ठीक है, बैठे बैठे जो लोग खाते हैं दे शुड वर्क, यू नो दे शुड बी एक्टिव, दैट इज अ सिन। देन यू नो ही सेज दैट प्लेजर विद कॉन्शियस दैट इज ऑल्सो अ सिन। नेक्स्ट ये बोलते हैं कॉमर्स विदाउट मॉरेलिटी, मतलब अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो और उसमें मॉरेलिटी फॉलो नहीं कर रहे हो, सामने वाले का फायदा उठा रहे हो, ठीक है, सही मेथड नहीं अपना रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ सिन। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। मुस्कान, दिस इज द क्वेश्चन जो इनफैक्ट एथिक्स में भी पूछा गया था। हम अभी कवर कर रहे हैं प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है, पेपर वन सेक्शन बी में। तो ये सेवन सिंस हैं जो मैं लिस्ट डाउन कर रही हूँ। इट इज वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्शियस एंड कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस एंड सेवेंथ इज पॉलिटिक्स। ये तो हमने बहुत फेमसली पढ़ा है, विदाउट एथिक्स। ये तो हमने उसमें भी पढ़ा है मैकियावेली में, दिस वन पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ सिन। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारे गांधियंस थे, मतलब गांधियन इन द सेंस दैट जो फॉलो करते थे गांधी को। इनमें से एक होंगे एस एन अग्रवाल, एस एन अग्रवाल, एस एन अग्रवाल होंगे एंड देन देर इज श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। इनका प्रपोज किया जाएगा, इनके द्वारा दे विल बी प्रपोजिंग गांधीयन प्लान। ये गांधीयन प्लान को प्रपोज करेंगे। तो आइडियाज क्या क्या थे गांधीयन प्लान के, लेट्स टॉक अबाउट दैट। व्हाट वर द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्लान? सबसे पहला आइडिया था गांधीयन प्लान का रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करना है, रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि इसके चलते एक तो हम हंगर को एड्रेस कर पाएंगे और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है जो इंडिया में, उसको एड्रेस कर पाएंगे। तो इसीलिए एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इनका मानना होगा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में। गवर्नमेंट की क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्रीकल्चर को लेकर के। तो इनका मानना था कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए लैंड रिफॉर्म्स पे, लैंड रिफॉर्म्स पे फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स बनाने चाहिए एंड रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए, यानी जो गांव के इलाके हैं यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करना चाहिए, क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि ये लोग काम कर सकें। दूसरा आइडिया था कॉटन इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने का, दैट इज रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज में आइडिया ये था कि ये एक तो जो फार्मर्स हैं उनको सप्लीमेंट्री इनकम प्रोवाइड करेगी एंड साथ ही साथ इससे होगा क्या कि खादी को प्रमोट किया जाएगा। तो खादी वॉज दी वे टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोथिंग। तो रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात की गई। तो इसलिए हम देखते हैं कि गांधीयन प्लान में जो फोकस था दैट वॉज टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज, ग्रीड के ऊपर बेस्ड नहीं था, फोकस ये था कि जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं, उसको फुलफिल करना है। तो बट देर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसे समझाता बोला जाता है दैट गांधी वॉज अगेंस्ट मशीन्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। गांधी वॉज नॉट अगेंस्ट मशीन्स, ही वॉज ओनली अगेंस्ट इमिटेटिंग द वेस्टर्न मॉडल। मशीन्स के अगेंस्ट में नहीं है ये कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न मॉडल है, जो वेस्ट कंट्रीज ने जो मॉडल फॉलो किया इसको बस फॉलो मत करो। ही वॉज अगेंस्ट दिस कि इसको इंडिया में अप्लाई मत करो, जैसे इन्होंने किया इसको एज सच इंडिया में एज इट इज मत अप्लाई करो, क्योंकि इनके कंसर्न ये थे कि मशीन्स सबसे पहले, हाँ, मशीन विल रिप्लेस द मैनुअल लेबर। तो मशीन शुड नॉट बी पिटेड अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग, पहला तो ये था। दूसरा हम देखेंगे कि मैकेनाइजेशन की वजह से इनका कंसर्न था कि वेल्थ एक्यूमुलेशन होता है एक ही जगह पे, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है। अगर जैसे हमने देखा था कि कार्ल मार्क्स के टॉपिक में कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है अगर वो टेक्नोलॉजी एक्वायर करती है, मान लीजिए कि कैपिटलिस्ट क्लास मशीन नहीं खरीदती है तो उससे मोनोपोली हो जाती है और मोनोपोली के चलते एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो जाता है सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के पास में, उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। ऐसे में जो वर्किंग क्लास है उनकी एक्सप्लॉयटेशन पावर, उनको उनको ज्यादा एक्सप्लॉयट किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यू नो याद रखना कि ही वॉज जस्ट कंसर्न अबाउट दीज मशीन्स, ही वॉज नॉट अगेंस्ट मशीन्स। वो मॉडल जो फॉलो कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज में उसके अगेंस्ट में ज्यादातर थे, कंसर्न बस उनका ये था कि इसको ऐसे मत यूज करो। तो गांधीयन अप्रोच मतलब मशीन को यूज करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मशीन को, मशीन से यू नो ह्यूमन लेबर जो है उसको पूरा रिप्लेस कर दो मशीन से। तो गांधीयन की अप्रोच ये थी कि जो इंडियन विलेजेस हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट एंटिटीज बनाना है एंड ही वाज यू नो बेसिकली इन फेवर ऑफ कि वी हैव टू रिवाइव द विलेज रिपब्लिक्स। हमें जो पंचायती राज है उसके उसको लेकर के गांधी बात करेंगे, ठीक है। एंड उनका कहना था कि जब तक अगर आप विलेजेस को रिवाइव नहीं करोगे तब तक जो स्वराज का हमारा गोल है वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो गांधी के अप्रोच यू नो हम देखेंगे ये गांधीयन प्लान में आएगा, ये गांधी के अप्रोच में आएगा, लेकिन इंडिया के केस में गांधी के अप्रोच फॉलो नहीं की जाएगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं कि किस तरीके से यू नो जब गांधी की अप्रोच नेग्लेक्ट की गई
तो किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इकोनॉमिक मॉडल जो हमने अडॉप्ट किया है उसमें यही है कि वी आर ट्राइंग टू कैच अप विद वेस्टर्न कंट्रीज का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो अनसस्टेनेबल है एंड इंडिया इज फॉलोइंग दैट। वेस्टर्न मॉडल का जो डेवलपमेंट बेसिकली मॉडल है वेस्टर्न कंट्रीज का दैट इज अनसस्टेनेबल। एट द सेम टाइम इट इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो। तो डेवलपमेंट एंड मॉडल की वजह से आज के टाइम पे इंडिया में भी हम देखेंगे कि इम्बैलेंस ग्रोथ इम्बैलेंस हो गया है, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुई है। और हम देखते हैं कि देर इज अ गैप टुडे, गैप बिटवीन इंडिया एंड भारत। व्हाट इज भारत? भारत का मतलब होता है रूरल इंडिया, मतलब इसको मेटाफोरिकली यूज किया गया है टू डिस्क्राइब रूरल इंडिया एंड इंडिया मीन्स अर्बन इंडिया। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है कि इसके बीच में गैप हो गया है कि यहाँ पर इनइक्वालिटी इतनी है कि अर्बन एरिया ज्यादा डेवलप्ड है, यहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है क्योंकि गांधी की अप्रोच नहीं फॉलो की गई। आई समझ? तो ये था गांधी का मॉडल। मतलब ऐसे पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट में गांधी का अप्रोच फॉलो करते तो क्या होता है या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो आप उसमें बताएंगे कि गांधी के ये चीज़ें थी, ठीक है, इन इन चीज़ों में बिलीव करते थे गांधी के अप्रोच में। आप एस एन अग्रवाल को कोट कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट आता है नेहरूवियन मॉडल। अब नेहरूवियन मॉडल है, अब नेहरू भी इकोनॉमिस्ट नहीं थे, नेहरू एक मॉडर्निस्ट थे। तो हम देखेंगे ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई द अचीवमेंट्स ऑफ USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सॉरी नॉट यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे ये। तो ही वॉन्टेड टू मेक कि इंडिया एक मॉडर्न और साइंटिफिक सोसाइटी बने, इसीलिए हम देखेंगे कि उनकी फिलोसफी रहेगी प्रोग्रेसिव सोशलिज्म की। प्रोग्रेसिव सोशलिज्म ही विल फॉलो एंड प्रोग्रेसिव सोशलिज्म में ही वॉन्टेड इंडिया टू बी इंडिया टू बी अ सोसाइटी बेसिकली जो सोशलिस्टिक पैटर्न पे बेस्ड हो, विच शुड बी बेस्ड अपॉन सोशलिस्टिक पैटर्न। तो नेहरू की जो अप्रोच होगी, नेहरू की जो रियल अप्रोच होगी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को लेकर के, उसको हम समझ सकते हैं जो 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे उससे, एंड स्पेशली फर्स्ट 5 ईयर प्लान से नहीं, सेकेंड 5 ईयर प्लान से। क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान में देर विल बी नेहरूवियन महल नबोनिस महल नबोस दिस मॉडल, देर वॉज दिस मॉडल महल नोबिस मॉडल। नेहरू और महल नोबिस थे उस टाइम पे जो फाइनेंस उस टाइम पे मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है। उनका हम देखेंगे कि देर वॉज दिस मॉडल दैट इज कम, जिसमें ये था कि सेकेंड इंडिया ने अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे देखिए एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया था, ठीक है, इंडिया फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर ओनली। लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान से हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करेगा इंडिया हैवी इंडस्ट्रीज में। तो हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा इंडिया, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान से हुआ। एंड ऐसा क्यों था? क्योंकि इसमें कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करना इम्पोर्टेंट था जो आगे सपोर्ट करेगा इंडिया की ग्रोथ में। क्योंकि इससे इंडिया फॉरेन कंट्रीज से जो भी इंपोर्ट करती है उस पर डिपेंडेंट रही नहीं रहेगी अब इंडिया कुछ एसेंशियल गुड्स के लिए, ताकि इंडिया एक इंडिया कैन एक्सरसाइज सो दैट इंडिया कैन एक्सरसाइज ऑटोनॉमी इन अदर एरियाज ऑल्सो। इंडिया कैन प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम बार्गेनिंग बाई वेस्टर्न कंट्रीज। तो नेहरू ने उस टाइम पे इसीलिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नेहरू इंट्रोड्यूस करेंगे, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आएगी उस टाइम पे।
एंड डिस्पाइट की यू नो सेंट्रलाइज प्लानिंग फेडरलिज्म के स्पिरिट के अगेंस्ट जा रही थी, बिकॉज इंडिया इज यू नो जो हमने अडॉप्ट किया है फेडरल कंट्री है, क्वासी फेडरलिज्म है ऑल दो, लेकिन ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में रहेगा क्योंकि सेंटर सारा चीज डिसाइड करेगा, स्टेट्स के पावर पास में पावर नहीं रहेगी, तो दिस विल बी एविडेंट. एंड यू नो नॉट जस्ट दिस, बट वी सी इज नेहरू वॉज नॉट अगेंस्ट एग्रेरियन रिफॉर्म्स. ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के अगेंस्ट में थे, लेकिन उनका मानना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेगा एग्रीकल्चरल गुड्स की, एंड उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करेगा. देखिए क्योंकि एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री से ही जो मैकेनाइजेशन होगा, ठीक है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इससे एग्रीकल्चर को ही फायदा होने वाला है. इक्विपमेंट्स बनेंगे, फर्टिलाइजर्स होंगे, तो एग्रीकल्चर ही प्रमोट होगा एक तरीके से. तभी हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की जाएगी हैवी इंडस्ट्रीज में. सो नेहरू ये बात जानते थे कि इनका जो मॉडल है इट विल क्रिएट शॉर्टेजेस ऑफ बेसिक कमोडिटीज, इसीलिए ही इंट्रोड्यूस्ड यू नो फिजिकल कंट्रोल ये इंट्रोड्यूस करेंगे राशनिंग पे, फिजिकल कंट्रोल पे, कि ये खुद ही प्राइस एडमिनिस्टर कर पाए, तो प्राइस एडमिनिस्टर कर पाए, ये चीज हमको देखने को मिलेगी. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड इनकम डिस्पैरिटीज, नेहरूवियन मॉडल जो होगा हैड पुट स्टेट इन द कमांडिंग हाइट्स, एंड स्टेट के पास में ज्यादा पावर दी जाएगी. एंड वी सी दैट यू नो इकोनॉमी के केस में, एंड हम देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर होगा नेहरू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के अंडर में, प्राइवेट सेक्टर को वीक रखा जाएगा यू नो क्योंकि एक्यूमुलेशन ना हो सके वेल्थ का बेसिकली, इसलिए. तो नेहरूवियन मॉडल में पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, एंड पब्लिक सेक्टर का मानना था कि एक तो जो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है, एक्यूमुलेशन होती है, पब्लिक सेक्टर होगा तो इसको रोकेगा, दूसरा इससे होगा क्या, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, तो यहाँ पर इस टाइप के पॉलिसीज फॉलो की जाएंगी. दूसरी पॉलिसी नेहरू में ये भी थी कि यू नो इस पॉलिसी में नेहरू, दीज पॉलिसीज कुड नॉट एड्रेस द स्ट्रक्चरल वीकनेसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. जैसे राशनिंग की गई बट दैट हैज रिजल्टेड इन टू ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग हुई, पब्लिक सेक्टर आया लेकिन पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक लॉजिक पे काम नहीं कर रहा था. इकोनॉमिक लॉजिक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो पब्लिक सेक्टर वॉज प्रोड्यूसिंग पुअर क्वालिटी गुड्स. इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम देखते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स किए जाते हैं और उसकी प्राइसिंग भी उसी हिसाब से हाई रहती है, लेकिन एटलीस्ट क्वालिटी सही रहती है, ठीक है. तो पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा होगा, पब्लिक सेक्टर पुअर क्वालिटी गुड्स बनाएगा, एंड उसके जो प्राइस रखेगा ऑब्वियसली वो हाई रहेगा. सो यू नो जो भी इस सिचुएशन में कोई भी मान लीजिए प्रोडक्ट ऐसे बनाया जाता है, दैट प्रोडक्ट विल नॉट बी क्वालिटी वाइज दैट गुड, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर यू नो विल स्टार्ट फेलिंग ऑल्सो. इसी के चलते यू नो तब से डिसइन्वेस्टमेंट चलता आ रहा है. इवन प्रेजेंटली हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर उस टाइम पे नेहरू के टाइम पे जो बनाए गए थे, आज धीरे धीरे करके डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है. इनफैक्ट नेहरू का जो मॉडल था बोला तो यही जाता है कि नेहरू ने पॉलिसीज ऐसी फॉलो की थी कि बाहर से हमें फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, लेकिन नेहरू के मॉडल में यू नो इट वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, लेकिन इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा ऐसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जिसको एक्सपोर्ट किया जा सके, जिसको एक्सपोर्ट किया जा सके. इंडिया विल नॉट बी एबल टू मैन्युफैक्चर सच गुड्स. तो व्हाट वी सी इज कि जो मॉडल इंडिया में फॉलो किया जाएगा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाला, नेहरू का जो मॉडल होगा इट विल रिजल्ट इनटू इंडिया बिकमिंग यू नो इंडिया बिकमिंग दिस लाइसेंस परमिट कोटा राज,
हम देखेंगे। एंड इंस्पेक्टर राज बहुत बढ़ जाएगा इंडिया में अल्टीमेटली। इंस्पेक्टर राज मतलब स्टेट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा, ओवर डेवलप्ड स्टेट होगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आज के टाइम पे इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम्स आज भी देखने को मिल रही हैं इंस्पेक्टर राज की वजह से। एंड देखिए प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, ऑब्वियसली कि इकोनॉमी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, अभी बीजेपी के अंडर में तो काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया गया है इसको, लेकिन इसकी वजह से बिजनेसेस फ्लरिश नहीं कर पाते हैं। रीज़न बीइंग ऑब्वियसली कि पॉलिटिशियन ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, तो वो इकोनॉमी में जो डिसीजंस लिए जाने चाहिए उसमें ये लोग नहीं ले पाएंगे, बिकॉज ये अपना करप्शन करेंगे एंड ऑल सच थिंग्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका रिगार्डिंग दिस नेहरूवियन मॉडल। उसके बाद जो आगे सक्सेसर्स आएंगे नेहरू के, यू नो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसमें चेंज किया। नेहरू के सक्सेसर्स होंगे, दे हैव नॉट मेड एनी करेक्शन डिस्पाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वीकनेसेस, एंड यू नो रादर दे कॉन्टिन्यूड विद पॉपुलिस्ट पॉलिसीज। रादर जैसे कि गरीबी हटाओ है, राइट, गरीबी हटाओ जो लाया था इंदिरा गांधी की सरकार में लाया गया था, तो गरीबी हटाओ इज यू नो रिटोरिक, बिकॉज उस टाइम पे रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी। तो दिस इज व्हाट वी सी कि ऑलमोस्ट आज भी यू नो 45 से ऑलमोस्ट 50% ही आप कह सकते हो इंडियन पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर में है, बहुत कंसिडरेबल पॉपुलेशन है जो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। सो दीज आर सम ऑफ द लाइक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यू नो सम ऑफ द फीचर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेहरूवियन मॉडल इन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहले हमने देखा गांधी की अप्रोच क्या अप्रोच थी, उसके बाद हमने देखा नेहरू की अप्रोच, और उसी में प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर को लेकर के, लाइक आई टोल्ड यू कि हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को लेकर के भी बहुत गवर्नमेंट बहुत कुछ करेगी। देन अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक कमेटी बिठाई थी, जो फॉर्मर गवर्नर हैं आरबीआई के विमल जालन कमेटी थी, उसमें यू नो पब्लिक सेक्टर यूनिट को के पर्सपेक्टिव से यू नो ऐसे कहा गया था, उनका कहना है बेसिकली दैट पीएसयूज वर लाइक ओल्ड फैमिली सिल्वर, जो होता है ना पुराने ज़माने का आपके फोर फादर्स का कहनों में जो सिल्वर होता है, तो उसमें क्या होता है सिल्वर इज आपको सिल्वर को यू नो मेंटेन करने के लिए, उसको शाइन रखने के लिए आपको हमेशा पैसा खर्चना पड़ता है ताकि वो शाइन करता रहे, है ना। सिल्वर के केस में होता है काला पड़ जाता है सिल्वर, चांदी काली पड़ जाती है, उसको बार बार आपको वो करवाना पड़ता है, वॉश करवाना पड़ता है या जो भी है, ठीक है, इसकी वजह से फिर से शाइन करती है, तो उस पर पैसा और खर्चना पड़ता है, दैट मीन्स उसको रखने के लिए इंटैक्ट। तो पीएसयू इज़ लाइक दैट ओनली, ऐसा मतलब मेटाफोरिकल उसमें पीएसयू के बारे में ऐसा बोलते हैं ये, क्योंकि जो पॉलिसीज फॉलो की गई ये अनसस्टेनेबल हो गई थी। इंडिया केम अंडर द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड हमारी कंट्री के पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी नहीं बचा था ज़्यादा, एक हफ्ते का बस इंपोर्ट का बिल भरने को हमारे पास में पड़ा था, एंड तो इंडिया का क्रेडिट उस टाइम पे क्वेश्चन में था, पैसा नहीं था, तो सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस वी फेस्ड एंड अल्टीमेटली फिर इंडिया को फोर्स किया जाएगा चेंज करने के लिए। और आगे जा करके हम देखेंगे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन LPG रिफॉर्म्स आए, तो इंडिया को उस टाइम पे केज्ड टाइगर बोला जाता था, केज्ड टाइगर। इट वाज प्रेडिक्टेड कि अगर जो केज है इंडिया का वो ब्रेक कर दिया गया तो इंडिया विल रन एट द स्पीड ऑफ फ्री टाइगर, जैसे एक फ्री टाइगर होता है वो भागता है, इंडिया वैसे भागेगा। तो इट शोड द यू नो पोटेंशियल कि इंडियन इकोनॉमी में कितना पोटेंशियल है, और हम देखेंगे कि ये केज ओपन किया जाएगा। पहले हमने क्लोज्ड इकोनॉमी फॉलो की थी 1947 से 1990 तक, तो 1991 में फाइनली ओपन ये केज किया जाएगा एंड ओपन इकोनॉमी
की जाएगी। तो जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज थी उनके चलते इंडिया जो है वो केज किया गया था। ऑब्वियसली जो पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि ओवर डेवलप्ड स्टेट है, लाइसेंस राज, कोटा हम देखते हैं, देर इज दिस रेड टेपिज्म, राइट। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से फुल पोटेंशियल नहीं अपना कंट्री इकोनॉमी दिखा पा रही थी। तो अल्टीमेटली उनके हाथों से फिर ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज पॉलिटिशियंस फॉलो करते हैं वोट के लिए, उनके हाथों से ये निकाला जाएगा। बट आगे हम देखते हैं कि काफी टाइम लगा लेकिन इंडिया को ये सब करने में। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, एक्चुअली इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इंडिया टुक सो लॉन्ग टू मेक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। इंडिया को एक क्राइसिस का वेट करना पड़ा ये सब करने के लिए, कि जब क्राइसिस आया तभी इंडिया ने ये किया। यानी दिस वाज वन ऑफ द मेजर सिचुएशनल फैक्टर व्हिच हैज एक्सेलरेटेड द क्राइसिस एक्चुअली। और वो सिचुएशन फैक्टर कौन सा था, फैक्टर कौन सा था, किस वजह से आया था? एक तो गल्फ क्राइसिस चल रहा था, गल्फ वॉर चल रही थी। गल्फ वॉर में आपको पता है ऑयल के दाम बहुत बढ़ गए थे और इंडिया ऑयल इम्पोर्ट करती थी उस टाइम पे। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन था डिसइंटीग्रेट हो चुका था यूएसएसआर, तो इंडिया के पास में और कोई ऐसे, हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की हुई थी यूएसएसआर के साथ में, तो यूएसएसआर भी नहीं था हमारी हेल्प करने के लिए। एट द सेम टाइम हमारा जो गोल्ड का बिल था, इम्पोर्ट का, गोल्ड इम्पोर्ट बहुत हो रहा था। ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है खट्टे में आ जाएगी, एंड दैट्स व्हेन वी विल गो फॉर बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, एंड दैट विल आईएमएफ और उस टाइम पे यूएसए डिसइंटीग्रेशन के बाद तो पावरफुल हो जाएगा, तो विद थ्रू आईएमएफ इट विल फोर्स इंडिया टू गो फॉर एलपीजी रिफॉर्म्स। तो अमर्त्य सेन का इस चीज में कहना है, कॉन्ट्रारी टू द प्रेडिक्शन कि जो स्प्रिंट की बात की गई है कि इंडिया को, इंडिया एक केज्ड टाइगर था, अगर इसको खुले में छोड़ दिया गया तो बहुत तेजी से, इतना पोटेंशियल है कि इतनी स्पीड से भागेगा। हमें देखने को भी मिला है कि ओपन करने के बाद आज डेवलपिंग कंट्री इंडिया बन चुका है। तो अमर्त्य सेन कहते हैं, कॉन्ट्रारी टू दिस प्रोडक्शन, दैट जो स्प्रिंट होगी टाइगर की अभी उस हिसाब से हुई नहीं है, मतलब जैसे होनी चाहिए थी, जो प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि एक बार ओपन हो गया तो उसके बाद इतना जल्दी ग्रो करेगा, उस हिसाब से नहीं हुई है। बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस अमंग स्कॉलर्स एज टू वेदर एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स लेड टू द चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी लोगों के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास में ये कंसेंसस ही नहीं है। अभी दे लैक दिस कंसेंसस, दे डोंट फील दैट दिस इज वेट अ मिनट, तो दे डोंट फील दैट कि एक्सटर्नल फैक्टर्स थे या इंटरनल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से, हाँ, कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे या इंटरनल फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आया। इनफैक्ट एक डिबेट ये भी है कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, कि जो नया मॉडल आया उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के भी काफी डिबेट है। इसमें जो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रहे हैं बिमल जालन, इनका कहना है दैट इट इज गुड, इट इज अ गुड थिंग दैट एट प्रेजेंट देयर इज नो डिबेट ओवर डिजायरेबिलिटी ऑफ रिफॉर्म्स आज के टाइम पे, क्योंकि जो सभी पार्टीज हैं, मेजर पार्टीज हैं आज के टाइम पे, दे अग्री दैट देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, एंड देयर फोर जो आज के टाइम पे करंट लिबरलाइजेशन हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है, जैसे 2016-17 का भी इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें इसके रिगार्डिंग बात की गई थी कि ट्रांजिशन बेसिकली किया है फ्रॉम क्लोज्ड एंड लिस्टलेस इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी। इंडिया हैज ट्रांजिशन टूवर्ड्स दिस, नाउ इंडिया इज अ थ्राइविंग इकोनॉमी, डेवलप कर रही है, प्रोग्रेस। लेकिन ये मेंशन किया गया इज नॉट जस्ट क्वालिटेटिव, इट इज मेजरेबल सर्वे हैज इवेल्युएटेड दैट लिबरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कुछ चार मेजर्स हैं उनके बेसिस पे लिबरलाइजेशन को इवेल्युएट किया है इकोनॉमिक सर्वे में। एंड इसमें रहेगा एक तो कि
ट्रेड को लेकर के कितनी ओपननेस है इंडिया में, ओपननेस टू दी ट्रेड, क्योंकि इंडिया का अगर आप साइज देखोगे तो उस हिसाब से इंडिया इज ट्रेडिंग विद इंटरनेशनल इकोनॉमी मोर देन एक्सपेक्टेड. जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ज्यादा कर रही है. दूसरा, हमारी फॉरेन कैपिटल को लेकर के कितनी ओपननेस है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. बिकॉज यू नो डिस्पाइट द कैपिटल कंट्रोल, जो फॉरेन रिजर्व हम देखेंगे, जितना नेट इनफ्लो है ऑफ यू नो फॉरेन कैपिटल, इट इज एज नॉर्मल एज एनी अदर इमर्जिंग इकोनॉमी. तो कुछ अलग नहीं है. इंडिया को जो FDI मिलता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मिलता है एनुअल रेट पे, इट इज एट 75 बिलियन डॉलर, विच इज नॉट शॉर्ट ऑफ वॉट चाइना वॉज रिसीविंग. जब चाइना ने अपने यू नो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद जैसे इंडिया का बूम पीरियड चल रहा है, वैसे ही यू नो चाइना का भी एक इकोनॉमिक बूम पीरियड था. mid-2000 में चाइना का पीरियड था, तो उस टाइम पे चाइना को भी इतनी मतलब ही मिलती थी. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया को ज्यादा मिल रही है. तो एक तो ये है, ठीक है, ओपननेस कितनी है उसके ऊपर. फिर दूसरा ये रहता है कि PSUs को लेकर के, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को लेकर के जो मिथ है, मिथ ये था कि इंडिया के पास में बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं एंड इंडिया ने ये रोल दिया है पब्लिक सेक्टर को, इंक्लूडिंग सिविल एविएशन में. आप देखोगे यू नो PSU है, टेलीकॉम फाइनेंशियल सर्विसेज में यू नो इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली रोल्ड बैक पब्लिक सेक्टर इन दीज एरियाज. अब तो नहीं है लाइक बाकी सभी सेक्टर्स में, डिफेंस में आ गया, ठीक है, सभी सेक्टर्स में होगा PSUs, आपका ऑयल एक्सप्लोरेशन इन सब में रहेगा, लेकिन इंडिया हैज गॉन फॉर PSU के केस में दे हैव रोल्ड इट बैक काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में. देन वी सी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को लेकर के, क्योंकि जो प्रेडिक्ट किया जा रहा था, जो ओपिनियन था उस टाइम पे कि ओवर ब्लोटेड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यू नो एक्सपेंडिचर इज नॉट मोर देन व्हाट इज नॉर्मल फॉर एनी कंट्री इन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है उसी हिसाब से हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, और ये नॉर्मली दूसरी कंट्रीज में भी ये ट्रेंड देखने को मिलता है. सनी है दैट देर इज समथिंग यूनिक विद इंडिया, फेल्स टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स, दैट्स वाई फिजिकल डेफिसिट इन ट्रेडिंग. नो, फिजिकल डेफिसिट इन ट्रेडिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट. क्वालिटी गुड्स की बात नहीं है, कंपिटिटिवनेस की भी बात आती है इसमें राजकुमार. एक्चुअली बाहर की कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते लार्ज स्केल डेवलपमेंट होती है. तो यू नो एक तो टेक्नोलॉजी हो गई, दूसरा लार्ज स्केल डेवलपमेंट करोगे अपने आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन चली जाती है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट डाउन चली जाएगी. तो दैट इज एविडेंट हियर. तो सम अप, इंडिया इज अ नॉर्मल इमर्जिंग मार्केट परसुइंग द स्टैंडर्ड एशियन पाथ ऑफ डेवलपमेंट. कुछ अलग नहीं है. सिंस 1980s ऑल्सो देर इज दिस 4.5% पर कैपिटा यू नो इंक्रीज इन इनकम, इतना ही इंक्रीज हुआ है. तो सर्वे का कहना था, इकोनॉमिक सर्वे में ये मेंशन भी किया गया था कि अचीवमेंट जो है इंडिया की, दैट इज रिमार्केबल बिकॉज इट हैज बिन अचीव्ड अंडर एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम. रिमार्केबल है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम है. इट इज अचीव्ड इवन इन अ सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग इज सिवियरली कंस्ट्रेंड. जब सुप्रीम कोर्ट को यू नो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू यू नो लॉज लाने पड़े, जब पॉलिसी पैरालिसिस था, उस सिचुएशन में भी इंडिया ने काफी यू नो मतलब बेहतर परफॉर्म किया है कंपैरेटिवली. तो सर्वे इस चीज को मेंशन करता है, लेकिन कि देर आर सम ऑब्वियसली सेटबैक्स. सेटबैक्स में आता है कि एक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव नहीं है, दूसरा वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं, लॉन्च की हुई हैं, देर इज यू नो कंसिडरेबल मिसकैलकुलेशंस इन दोज. तो दीज आर द थिंग्स.
लिबरलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट पड़े। तो इसमें एक मॉन्टेक्स मॉन्टेक सिंह आलूवालिया की एक रिपोर्ट थी, उनमें इन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, ठीक है। तो उसमें इन्होंने बताया है कि क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। इस पूरे चैप्टर को ना, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ये इकोनॉमी एंगल से आपको कवर करना है। तो ज़्यादातर जो प्लानिंग वाला पार्ट आता है, मॉडल बेसिकली, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें व्यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप अमर्त्य सेन का व्यू लिख सकते हैं इफ़ यू वांट। अमर्त्य सेन, बिमल जालन का व्यू लिख सकते हैं प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। जैसे कि आज के टाइम पे तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी है, इट हैज़ मूव्ड इनटू मिडल इनकम स्टेटस, मिडल में आती है। अब थर्ड वर्ल्ड में तो रही नहीं, डेवलपिंग में है, ठीक है। तो इंडिया इज बाउंड टू फेस चैलेंज इन दिस केस, कि हो सकता है कि इंडिया इसी मिडल इनकम ट्रैप में फंस जाए। अगर हम अपनी अपने इकोनॉमी को अच्छे से डिजाइन नहीं करेंगे, उसमें रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, इसीलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है करप्शन इंडिया में, तो करप्शन को सुधारे जाने की जरूरत है। वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टैकल करप्शन। दूसरी चीज है कि रेड टेपिज्म जो इंडिया में प्रेजेंट है, रेड टेपिज्म को एंड करने की जरूरत है। देन मार्केट रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। देन इंक्लूजन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने की जरूरत है। हमें स्टेट कैपेसिटी को रिहेबिलिटेट करना होगा। तो इसको लेकर के अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं कि जब आप एक टाइगर को अनकेज करते हो, ठीक है, व्हेन यू अनकेज देम, और या पीडीए विल बी देयर, लेकिन फॉर दिस पार्ट ना, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू बिकॉज स्टार्ट अ न्यू कोर्स, तो वहां पर कुछ एडिशंस मुझे करने हैं, तो मैं वहीं पर दूंगी आपको जो पीडीएफ्स रहेंगी। एक्चुअली बहुत सारा एडिशन करना है इसमें, तो बाय दैट टाइम एडिशन हो ही जाएगा। जनवरी में शुरू करेंगे तो माई फेब एंड मार्च हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग। तो इसकी पीडीएफ्स आपको लाइक एज सच जितनी अवेलेबल है मेरे पास, वो मैं सारी कर दूंगी। बाकी मुझे लगता है जहाँ मैं एडिशन करूंगी, तो मैं एडिशन के बाद ही आपको दूंगी। इसमें अमर्त्य सेन का क्या व्यू है? अमर्त्य सेन सेज रिगार्डिंग दिस कि इंडिया इज अ, ऐसा बोला जाता है ना इंडिया के बारे में 1991 में भी, कि इंडिया एक केज्ड टाइगर की तरह है। अगर केज हटा दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो बहुत स्पीड से भागेगा। उसको लेकर के अमर्त्य सेन का कहना है कि अनकेजिंग द टाइगर हैज नॉट रिजल्टेड इन टू टाइगर लाइक स्प्रिंट इन केस ऑफ इंडिया। एंड क्वेश्चन इज नॉट कि ओवरऑल ग्रोथ क्या है, क्वेश्चन इज कि ओवरऑल ग्रोथ का पैटर्न क्या है। अमर्त्य सेन पैटर्न पे ध्यान देते हैं। इनका कहना है कि इसके चलते लिविंग स्टैंडर्ड्स में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ग्रोथ चाहे कितनी भी हो, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़े हैं। सोशल इंडिकेटर्स पे अगर आप देखोगे कितनी प्रोग्रेस हुई है, तो सोशल इंडिकेटर्स हैव गॉन डाउन। रिफॉर्म्स आने से पहले जो सिचुएशन थी, उससे भी खराब है। इनफैक्ट जैसे एग्रीकल्चर को लेकर के स्टैग्नेशन, एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं हो रही है, एज इट इज स्टैग्नेंट है। एंड हम टारगेट करते हैं कि हर साल की ग्रोथ करेंगे हम, इट डजंट हैपन। दूसरा हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर में देर इज अ ग्रोथ ऑफ जंप, एंड इसके चलते ग्राउंड लेवल पे लोगों को रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि लोगों के पास में स्किल्स नहीं है इसलिए। तो देर इज ऑल्सो इंक्रीज इन पॉवर्टी। बीमारू स्टेट्स के बारे में बात करते हैं अमर्त्य सेन। बीमारू स्टेट्स मतलब ऐसे स्टेट्स जहाँ पर हंगर की प्रॉब्लम है, ठीक है। बीमारू स्टेट्स आर दोज की फूड वगैरह बहुत है, प्लेंटी एग्जिस्ट, लेकिन उसके बावजूद हंगर की प्रॉब्लम है। ही इज टॉकिंग अबाउट फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, दिस माल न्यूट्रिशन एंड ऑल दैट इज देयर, बच्चों में कुपोषण है, ये सब चीजें। तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ इशारा करता है। तो अमर्त्य सेन अप्रिशिएट करते हैं चाइना को,
बिकॉज चाइना ने बेसिक ह्यूमन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की है, चाइना ने उसमें इन्वेस्ट किया है एंड इट हैज बिन इन अ पोजिशन टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो। तो यही व्यू है प्लानिंग को लेकर के अमर्त्य सेन का, ओपन जो किया गया था लिबरलाइजेशन के टाइम पे, बेसिकली लिबरलाइजेशन को लेकर के क्या रिजल्ट रहे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, उसमें ये बात करते हैं। देन कम्स बीमल जालन। बीमल जालन का कहना है कि आज के टाइम पे जो इंडिया इमर्ज हो रहा है, इकोनॉमिक में, पॉलिटिक्स में जो भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो देर इज़ नो डाउट कि रिफॉर्म्स जो है एक क्रिएटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं, ग्रोथ एक्सेलरेट करते हैं, प्रोडक्टिविटी लाते हैं, लेकिन इंडिया का जो रिकॉर्ड है सोशल इंडिकेटर में वो अभी भी बॉटम कंट्रीज में आता है। तो ये एक टाइप की ग्रेव मिस्टेक होगी, इट विल बी अ वेरी सीरियस मिस्टेक इफ वी डू नॉट गो फॉर क्रिटिकल रिफॉर्म्स हियर, क्रिटिकल रिफॉर्म्स। और इसी में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आती हैं बार बार, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स एंड देन देयर इज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले तो ये दो व्यूज लिख लीजिए आप, अमर्त्या सेन एंड बीमल जालन का, प्लीज राइट इट, अमर्त्या सेन एंड बीमल जालन। अमर्त्या सेन सेज अमर्त्या सेन सेज एंड केजिंग द टाइगर हैज नॉट रिजल्टेड, एनकेजिंग द टाइगर इज नॉट रिजल्टेड। इज नॉट रिजल्टेड इन टू टाइगर लाइक स्प्रिंट, इन टू टाइगर लाइक स्प्रिंट। The question is not overall growth. The question is not overall growth, but overall growth pattern. But overall growth pattern. Overall growth pattern. ग्रोथ पैटर्न, इट हैज नॉट रिजल्टेड इन टू, कॉरेस्पॉन्डिंग इट हैज नॉट रिजल्टेड इन टू, कॉरेस्पॉन्डिंग transformation in the living standards, transformation in the living standards. In the living standards. Progress on social indicator, progress on social indicator have gone down in comparison to pre-reform period, in comparison to pre-reform period. Pre-reform period.
रिफॉर्म पीरियड, स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर, स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर एंड द ग्रोथ ऑफ जंप एंड द ग्रोथ ऑफ जंप एंड द ग्रोथ ऑफ जंप इन सर्विस सेक्टर, इन सर्विस सेक्टर, इन सर्विस सेक्टर हैड नॉट रिजल्टेड इन टू द बेनिफिट्स, हैड नॉट रिजल्टेड इन टू द बेनिफिट्स at the ground level because at the ground level because people lack skills because people lack skills Next, there is also increase in poverty. There is also increase in poverty in so-called Bimaru states. In so-called Bimaru states. The problem of hunger, the problem of hunger amidst plenty exist, plenty exist. Problem of hunger amidst plenty exist. Amidst plenty exist. He appreciates China. He appreciates China he appreciates China as China has invested in basic human capabilities And has been basic human capabilities, basic human capabilities, and has been in a position, and has been in a position to tackle the benefits of, to tackle. The benefits of globalization. Globalization. बीमारू स्टेट्स देखिए वो स्टेट्स होते हैं
जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोई फ्लड आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो उसको लेकर के कोई मैनेजमेंट नहीं है, क्राइसिस मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाता है, जहाँ पर लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, ठीक है, जहाँ डेवलपमेंट लेवल हाई नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अलग रहती है, जैसे गुंडा राज हो गया, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर, जो 6 स्टेट्स होते हैं ना उनको बीमारू स्टेट बोलते हैं। ये टर्म सबसे पहले कोट की थी आशीष बोस ने एक्चुअली। खैर आगे लिखिए, हैज बीन इन अ पोजिशन टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये अमर्त्य सेन का व्यू है। इसमें एक व्यू लिखिए बिमल जलन, बिमल जलन, बिमल जलन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सेज दैट एमर्जिंग इंडिया, इन इमर्जिंग इंडिया इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स एंड रिफॉर्म्स, इन इमर्जिंग इंडिया इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स एंड रिफॉर्म्स देर इज नो डाउट, देर इज नो डाउट दैट There is no doubt that reforms release creative energy. Reforms release creative energy, comma, accelerated growth and productivity, accelerated growth and productivity, but India's record in social indicator, but India's record in social indicator in social indicator is among the bottom countries, is among the bottom countries. Among the bottom countries. It would be grave mistake. It would be grave mistake if it would be grave mistake if we do not go for critical reforms. If we do not go for critical reforms. Critical reforms. ओके सो दिस इज अबाउट, ये बीमल जालन है एंड अमर्त्य सेन का व्यू है, ठीक है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट व्यूज लिखिए नेक्स्ट टॉपिक में, लेट मी सी।
नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, सोशल मूवमेंट्स हम शुरू कर रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की पॉसिबिलिटी है इस साल, ठीक है। मूवमेंट से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो पहला मूवमेंट है एनवायरमेंटल मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट। एनवायरमेंटल मूवमेंट में आपको सिर्फ अभी के लिए एक्सपर्ट ओपिनियंस लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सब हम ऑलरेडी कवर करेंगे आगे। यू विल जस्ट हैव टू राइट दिस, राइट। रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा has made comparison between, has made comparison between comparison between environmentalist in north and south, environmentalists in north and south north and south environmentalist in northern countries, right? Environmentalism in northern countries is led by, it is led by It is led by the scientists, by the scientists, whereas environmentalism in South, whereas environmentalism in South is led by, is led by the poors and ignorance, the poors and ignorance. Full stop. Environmentalism of North is full stomach. Environmentalism of North is full stomach. It is full stomach. Whereas environmentalism of South is empty stomach. Environmentalism of South is empty stomach. It is empty stomach. Full stop. We have to salute the fighting spirit of tribals. We have to salute the fighting spirit
ऑफ ट्राइबल्स इन ओडिशा इन ओडिशा हु डेयर टू चैलेंज ग्लोबल जायंट्स डेयर टू चैलेंज ग्लोबल जायंट्स ग्लोबल जायंट्स लाइक वेदांता एंड पॉस्को वेदांता एंड पॉस्को Yes. Right. Indian environmental movement challenge. Indian environmental movement challenge. The development strategy of the Indian state. The development strategy of the Indian state. Full stop. Right, next view. Ramchandra Guha hi likhe. Ramchandra Guha, according to Ramchandra Guha, Yes, I talked about POSCO and Vedanta only. These are the two projects. Actually, that was, in the Niyamgiri in, this Odisha region. And tribals were fighting against this. Ramchandra Guha, according to Ramchandra Guha, polluted skies, dead river, unknown caller, dead river, disappearing forest, displaced peasants and tribals, is what we see around us. After 40 years of, after 4 decades of, after 4 decades of Chipko movement. 4 decades of Chipko movement. Full stop. India today is a basket case of A basket case of environmental tragedies. Environmental
ट्रेजेडीज। एनवायरमेंटल ट्रेजेडीज। इन हिज बुक, राइट, इन हिज बुक द फिजर्ड लैंड, द फिजर्ड लैंड एंड इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, को ऑथर्ड विद माधव गादगिल, को ऑथर्ड विद माधव गादगिल he advocates empowerment of people, empowerment of people, comma, proper valuation of natural resources, proper valuation of natural resources and knowledge dissemination. Knowledge dissemination. Knowledge dissemination. In their another book, Ecology and Equity, they have highlighted the use and abuse of nature in contemporary India and have offered the critic of developmental model offered The critic of developmental model. Followed since independence. Followed this since independence. Let's take some break, 5 minutes break, okay? Then we will begin further. I'm going to extend this session by half an hour. Let's take a 5 minutes break.
आगे और भी व्यूज लिखने हैं, जैसे एक अभी नेक्स्ट लिखेंगे हम सुनीता नारायण का व्यू एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट पे। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो विल स्टडी दैट।
Okay, you want me to repeat it again, because sorry, Rajkumar. We have written that they have highlighted the use and abuse of nature. The use and abuse of nature in contemporary India. In contemporary India, and have offered and have offered the critic of developmental model, the critic of developmental model followed since independence, followed since independence. Write next, Sunita Narayan. Please write next to you. Sunita Narayan. Of Center of Science and Environment. Center of Science and Environment has also analyzed Indian environmental movement. She categorizes Indian movement as utilitarian conservatism and Western movement as and Western movement as Western movement as protectionist conservatism. Full stop. She gives the concept of new environmentalism. New environmentalism. We'll stop. It is wrong to think environmentalism is anti-development. It is wrong to think environmentalism is anti-development. New environmentalism requires it requires requires that we look at development that we look at development that we look at development and people differently and people differently according to her Environment is not about
प्रोटेक्टिंग टाइगर्स और प्लांटिंग ट्रीज, और प्लांटिंग ट्रीज, और प्लांटिंग ट्रीज, इट इज अबाउट डेमोक्रेसी, इट इज अबाउट डेमोक्रेसी। We have to had the mode of development which make people as custodians of natural resources, as custodians of natural resources. New environmentalism calls for ideas without dogmas, ideas without dogmas, and idealism which is practical, and idealism which is practical, full stop. She has highlighted the following weaknesses of environmental movement. The biggest weakness is firefighting approach. They have not been able to strategize themselves. They have not been able to strategize themselves. Full stop. Environmental activists may have been successful in closing few plants or industrial units, but they have not been successful in changing the development policy in India. Right?
Till environment does not become, change of paragraph, okay, till environment does not become the issue of electoral democracy, the issue of electoral democracy, its impact is going to be limited. Its impact is going to be limited. She also mentions the challenges faced by she, they have not been able to. They have not been able to strategize themselves. Strategize themselves. Clear? Strategize themselves. Agilike. She also mentions the challenges. She also meant. She also mentions the challenges faced by the environmental movement, faced by the environmental movement in India. Movement in India. One by one, write the point. कौन-कौन से challenges हैं? देखिए, lack of resources. First is lack of resources. Second, lack of expertise. Lack of expertise. Third, bureaucratic apartheid. Sure, Prince, I'll add you. Bureaucratic apartheid. Next. Corruption. Corruption. Next, crony capitalism. Crony capitalism. Next, global environmental rules. Global environmental rules are now being shaped by the countries of North rather than the South, rather than the South. Rather than the South. Full stop.
अकॉर्डिंग टू हर, लास्ट लाइन, अकॉर्डिंग टू हर एनवायरमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट इकोलॉजी, एनवायरमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट इकोलॉजी, इट इज अबाउट सोशल इकोलॉजी, इट इज अबाउट सोशल इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी। सोशल इकोलॉजी राइट। नेक्स्ट व्यू, द लास्ट व्यू इन एनवायरमेंटल मूवमेंट, वंदना शिवा, वंदना शिवा एंड जयंत बंदोपाध्याय, वंदना शिवा एंड जयंत बंदोपाध्याय। Right. In their article, political economy of ecology movement, they suggest that development activity in India. Development activity in India proceeded on it proceeded on resource intensive path. Resource intensive path. Okay, so this is it for today. The environmental movement यहाँ पर finish होता है. We'll continue it later on. Women movement पे भी हम expert opinions लिख लेंगे. हमारी जो next session रहेगा, I think आज एक और session है, उसमें करेंगे. This is it. Thank you very much. हाँ, 4 PM session है, उसमें करेंगे.